वेलकम टू स्कूल टाइम। आज है 24 मई 2023। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है नेपाल। अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल की कैपिटल है, कैपिटल काठमांडू, काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है, मुद्रा नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं रामचंद्र पौंडेल, रामचंद्र पौंडेल। और उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय प्रसाद यादव। हाल ही में नेपाल ने एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता है, एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता है। नेपाल में हाल ही में जीत गड्डी पर्व मनाया गया है, जीत गड्डी पर्व मनाया गया है। हाल ही में नेपाल के नए विदेश मंत्री नारायण प्रसाद साउद बने हैं, नए विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद बने हैं। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बना है, हाल ही में नेपाल में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया है, नेपाल के ललितपुर में घोड़े यात्रा मनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं श्री मंगू भाई पटेल। हाल ही में भोपाल में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी मिली है, सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी मिली है। हाल ही में मध्य प्रदेश की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, जीआई टैग
मिला है। मध्य प्रदेश में हाल ही में 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। 2000 साल पुराने जल निकायों का पता चला है। मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। वन विहार नेशनल पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो ये हैं कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, पेच, वन विहार, और कुनो आदि। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं।